हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द गर्ल फ्रॉम ओस्लो को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द गर्ल फ्रॉम ओस्लो ये वेब सीरीज कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 30 से 35 मिनट के आसपास का है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर शोज देखना पसंद आते हैं या फिर आप लोगों को साइको थ्रिलर शोज देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये शो कैसा लगेगा इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी एलेक्स और कार्ल नाम के कपल की, जिनकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उनकी बेटी पिया को कुछ टेररिस्ट अगवा कर लेते हैं। तो पिया को किन लोगों ने किडनैप करा है और अब कार्ल और एलेक्स किस तरह से अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, यही सभी सीरीज की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे सीरीज का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक ही लगा। मतलब ये स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि एलेक्स किस तरह का इंसान है, कार्ल किस तरह का इंसान है, उसके किस तरह के कनेक्शन है और वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहा है, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है। और फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करने स्टार्ट करती है और हमें बताया जाता है कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है और ये दोनों अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब इतना अच्छा तो है कि हम इस सीरीज में जुड़े रहते हैं और बोर नहीं होते हैं। ऑल्दो इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया कि हम पूरे टाइम सीरीज में इन्वेस्ट रहे हैं, जिसके कारण जब ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं और हमें काफ़ी पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इन सब का आगे जाके क्या होने वाला है, जिसके कारण इस सीरीज का क्लाइमेक्स हम पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं डाल पाता जिस तरह को उसे डालना चाहिए था। और हम इस सीरीज को छठे एपिसोड के बाद से प्रेडिक्ट करते चले जाते हैं, जो कि एक बुरी बात जरूर है। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है क्योंकि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और हम सभी कैरेक्टर्स के लिए केयर फील करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक्स है वो भी मुझे पसंद आए हैं। लेकिन अगर हम इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सीरीज थोड़ी प्रेडिक्टेबल बन जाती है और इस सीरीज को देखते वक्त आपके मन में काफ़ी सारे सवाल भी आएंगे जिनके जवाब ये सीरीज नहीं देती है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपके सीरीज को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, फिर चाहे आप किसी भी बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। और जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का अच्छा है लेकिन एडिटिंग मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा चॉपी हो गई है, जिसके कारण हमें कई बार सीन्स डिसकनेक्टेड लगते हैं। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर शोज़ देखना पसंद आते हैं या फिर आप लोग साइको थ्रिलर शोज़ के फ़ैन हो तो आपको ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस शो को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे, इसलिए मेरी तरफ से तो ये शो रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।